राम कृष्ण है, आपका हड्डिया एकदम मजबूत कैसे हो? मैं आज आपको रामबन इलाज बोलने वाला बच्चा से लेके कोई भी जैसा उनका कोई प्रॉब्लम, हड्डिया में कटकट आवाज रहने दो उनको, कुछ हड्डिया मजबूत न होने की वजह से कोई अलग दर्द रहने दो और कोई जैसे प्रॉब्लम रहने दो हड्डिया के संबंध में, तो एकदम रामबन इलाज मैं आपको बोलता हूँ आज। जैसे आप कपालभाति करिए, ये कपालभाति ये हड्डिया के लिए बहुत पावरफुल है। हाँ, ये हवा खींचे, अब इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम रहेगा ना, तो ये वातावरण वेदर में, ये हवा में, सुबह की हवा में ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए सुबह टहले और ज़्यादा से ज़्यादा हवा खींचने की चीज़ करें। हाँ, खाने में जैसे गाजर है, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इसमें कैल्शियम है, उड़ीद की दाल, लेकिन काल की जो उसका ऊपर का हिस्सा जो रहता है वो काला रहता है, वो उड़ीद का दाल आप यूज़ करिए, और ऐसे बहुत चीज़ें हैं। सी विटामिन में आपको ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, गाजर है और गुड़वेल, गिलोई बोलते आप उसको, गुड़वेल बोलते कई जगह पर, गिलोई बोलते, गिलोई खाइए और ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम बढ़ने में आपको ज़्यादा ज़्यादा आपको बाहर का जब टहलते उस टाइम कपालभाति और बच्ची का जैसे प्राणायाम करें ज़्यादा ज़्यादा आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा रामबन जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ आपको वो है मेंढी, आपको उसको इंग्लिश में शिप बोलते, भेड़ बोलते हिंदी में, और जैसे अलग अलग जगहों पर उसको मेंढी बोलते, मेंढी का दूध सबसे रामबन है। गाजर का, बाजरा का रोटी और मेंढी का दूध आप साथ में खाएंगे तो हड्डी इतना एकदम मजबूत रहेगी, कितना टूटा फूटा आपका कुछ भी रहेगा वो कुछ भी कैसे रहेगा तो भी जुड़ जाएगा आपका, इतना मेंढी का दूध भारी है। कम से कम हर दिन 100 ग्राम लेने की कोशिश करें, आपको जरूर फायदा होगा। बच्चे होने दो, कोई होने दो, कौन सा या हड्डी का आपका प्रॉब्लम रहने दो, वो सबसे रामबन प्रॉब्लम उपाय है, ये सबसे रामबन। जैसे आप प्राणायाम योग कुछ नहीं कर सकते थे सबसे, जैसे आप पहले से योग या प्राणायाम करते तो आपको उसमें जमता है समझ लो कुछ दर्द है, लेकिन एकदम नहीं कर सकता आदमी प्राणायाम योग जैसे, इसलिए आप मेंढी का दूध आपको मिल सकता है तो एकदम अवश्य ले, वो कौन सी कितना हड्डी टूटी रहने दो, कितना भी कुछ दर्द रहने दो, हड्डी का कौन सा ही प्रॉब्लम रहने दो, वो एकदम रामबन है। मेंढी का दूध सिप बोलते हैं उसको, वो सबसे नंबर वन है दूध, एकदम रामबन है हड्डी के लिए। हाँ, और ये चीज़ जैसे मैं जरूर आपको बोलने के लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए मेंढी का दूध खाइए, जैसे महीना दो महीना आप खाएंगे तो बहुत मजबूत रहेंगे, और जैसे वो लोग तो बाजरे का रोटी और दूध खाएंगे ना तो उस जैसे दिन दिन भर उनके मेंढी संभालने के लिए खड़े रहते, लेकिन बहुत लोग मजबूत रहते वो हड्डी, उनको 100 साल में जैसे बूढ़े होने तो कभी उनको प्रॉब्लम नहीं दिखती ऐसा, इसीलिए ये रामबन में इलाज का आपको बताया। मिलेंगे ऐसी वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करें। राम कृष्ण।